इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप कोई फाइल फोटोज वीडियो और ऐप को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट होता है और रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो बहुत अच्छा ऐप है और उस ऐप से आप अपने फाइल फोल्डर वीडियोस फोटोज एप्लीकेशन जो भी है उसे आप रिकवर कर सकते हैं। इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से अपना प्ले स्टोर खोलिए और वहाँ पर सर्च करिए रिसाइकल मास्टर, इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल होने के बाद आप इस ऐप को ओपन करिए, यहाँ पर ग्रैंड परमिशन में क्लिक करिए, अलाउ करिए और ये एक मैसेज शो होगा जो बोलेगा आपको इसको खरीदने के लिए, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। फिर से वही मैसेज शो होगा, इसको एग्जिट कर दीजिए और इसको स्किप करिए, कैंसिल कर दीजिए वो सबको। तो यहाँ पर सेटिंग में जाइए और यहाँ पर देख रहे ऑटो क्लियर लिखा हुआ 30 डेज, इसको ऑफ कर दीजिए। इस रिसाइकल मास्टर स्टेबल पर क्लिक करिए आप और इसको ग्रैंड परमिशन दीजिए और इसको भी परमिशन दीजिए। गो इट पर क्लिक करिए और इसको ऑटो स्टार्ट पर रख दीजिए। परमिशन दे दिया आपने, अब इसको क्लोज करिए अच्छे से। तो क्लोज करते हैं और मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन को डिलीट करता हूँ और मैं अपना कुछ फोटोज को भी डिलीट करता हूँ। जैसे कि मैंने ये 6 फोटो को सिलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट किया। सकते यहाँ पर फोटोज में 6 हैं और ऐप में 1 है, 6 फोटो में पर देख सकते हैं सब फोटो यहाँ पर है। इसको रिकवर करना है, क्लिक करिए और रिकवर पर क्लिक कर दीजिए। ये हो गया रिकवर। तो फिर से यूज़ करना है तो इस ऐप पर क्लिक करिए और इंस्टॉल कर दीजिए। और ये सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा तो इसको अभी ऑन कर दीजिए, क्लिक करिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ऐप भी आ गया और अब फोटोज़ में जाकर देखते हैं फोटोज़ आया कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 मेरा फोटो था, वही फोटो 6 ऊपर में आपको दिखा रहा है जो अभी अभी मैंने रिकवर किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। वो लोग भी सीख पाए कि अगर मेरा कोई फाइल या कोई डेटा अगर डिलीट होता है तो मैं उससे कैसे रिकवर करूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।